और भैया के साथ ऐसा हुआ है, वो हमारे घर पे आए, मैं जरूर उनका मदद करूंगा, उनके चैनल को ग्रो भी करूंगा, प्रमोट भी कर दूंगा, मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दिल से सच बताऊं तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे आ सकते हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गया है, आप लोग देख सकते हो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, अभी जो हम ब्लॉग बना रहे हैं, रोज की तरह मौसम का नजारा बहुत ही ठंड गिर रहा है और यहाँ पे हमारे बकरी महाराज जो है देख सकते हो, और यहाँ पे पापा जी ये देखिए भूसा निकाल रहे हैं, हाँ जानवर को खिलाएंगे, और बच्चों सबको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। मम्मी जो है मक्का का रोटी बनाने में लगी हुई है, सुबह सुबह मम्मी सब्जी बनाई है, मक्का का रोटी को उठा पटक करके ठोक करके अभी बनाई है। गुड मॉर्निंग मेरे बेटा बेटी जितना देख रहे हैं, मम्मी को रोटी बनाते हुए सभी को भरपूर आशीर्वाद है भाई। Hey guys, good morning, कैसे आप लोग, आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, भाई सब नहाने का हिम्मत नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर में नहाएंगे, ऐसा सीन है। और आपकी प्यारी बहन सुहानी के लिए सुबह सुबह सरप्राइज मम्मी जी रखे हुए, क्योंकि उसको नया नया चप्पल चाहिए, तो मम्मी बोलिए कि टीवी के नीचे जो रखा हुआ है बुढ़िया उसके अंदर है, तो उसको निकाल करके दे दो, तो ऊपर में मम्मी के पास आशीर्वाद भी लेंगे और हो सकता है कहीं मार्केट भी जाएंगे, क्योंकि कल जाना है रागनी सिस्टर के यहाँ, तिल संक्रांत है इसीलिए। सुहानी तो भाई इधर मम्मी जी गरम गरम रोटी बना रही है, यहाँ पे ही सुहानी जो है अपना चप्पल मांगा, लो जल्दी जल्दी पहन लेते, जल्दी जल्दी पहन लेते हैं, जल्दी 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 पहन लेते हैं। अरे वाह, कल में भैया ले खरीद करके कितना दिन से, भैया खरीद करके सुहानी को मिल चुका है चप्पल, हमको दे दो आशीर्वाद, हम इसी में खुश हो जाएंगे। हाँ आप खुश रहो, खुश रहो, तुम खुश रहो, कहाँ पर है पापा, गुड मॉर्निंग बोल दिया पापा। आज तो काम बंद है, क्योंकि अभी पिलर डलाएगा ना पापा, इस समय इसमें पिलर, इसमें पिलर, उसमें पिलर, आज नहीं एक दो दिन बाद, क्योंकि पूरा दीवार टूट जाएगा तब। मस्त वीडियो का एडिटिंग कर लिए हैं, अब उसको थोड़ी देर में अपलोड भी लगेगा, एक बजने वाला है सोचो दोपहर का, ऐसा सीन हो गया, लेट हो गया ना थोड़ा, ठंडी की वजह से हम लोग काफ़ी लेट उठते हैं। इधर आपके पापा जी पानी एकदम पटाने में लगे हुए दीवारों में, मना करते हैं पापा सीढ़ी ना लगाए कहीं दीवार ना गिर जाए, दीवार गिर जाएगा दिक्कत हो जाएगा, चार दिन पहले ये बना हुआ है तो हम नहीं चाहते कोई प्रॉब्लम हो, और इधर से कोई सपोर्ट भी नहीं, पिलर भी नहीं लगा हुआ है, तो कहीं अगर गलती से भी पापा अगर सीढ़ी लगाए कहीं गिर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इधर पानी पटा दिया लगा के, सीढ़ी लग गया था, वाह तब मजबूत हो गया दीवार, क्योंकि हमको थोड़ा सा डर लगा हुआ रहता है। अभी निकलेंगे हम और मम्मी जी शॉपिंग करने के लिए शाहपुर पटोरी, नहीं तो पत्थरघाट मार्केट, क्यों, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाला है, कल हम और पापा दोनों मिलकर के स्कूटी के साथ निकलेंगे खुशबू दीदी के यहाँ और रागनी सिस्टर के यहाँ, दोनों के यहाँ जा करके पहुँचाना है, सबसे बड़ा ये मेन प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों के लिए, प्रॉब्लम नहीं अच्छा लगता है, ये रीति रिवाज है हमारे घर से जाता है घर पे, आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं ऐसा कमेंट करके बताओ। कौन है, सुहानी पढ़ के आ गई है, हम लोग जाएंगे घूमने, हम लोग जाएंगे घूमने के लिए शाहपुर पटोरी। कौन? हाँ मम्मी तुम स्कूटी से, और पापा? पापा घर पे रहेंगे जब तक, चा पापा कैसे ले जाएंगे पापा को, तो बनेगा स्कूटी में, पापा जाएंगे तो कचरी आ जाएंगे, आज हम खरीद देंगे, ठीक है चलो जाओ खाना खा लो। कुछ ऐसा तिल संक्रांत के लिए तिलवा भैया जी बेचने के लिए आए हुए हैं, तो पापा इधर खुद तोड़ रहे हैं, सुहानी तो खाने में लगी होगी, कितना लेना है तिलवा, आधा किलो तो? लाई है, हाँ तो इसी को तिलवा संक्रांत के लिए तिलवा बोला जाता है, जो इतना बड़ा बड़ा होता है ना गोल गोल खाने, आधा किलो कै रुपये के, आधा किलो बोले आधा किलो 90 के दलिए हम, अच्छा 54 रुपये का, ठीक ना, आधा किलो के 45 रुपया, 45 है ना, 54 गलत जोड़े तरह हिसाब में कर रहा, कुछ लेना और रखने के लिए सुहानी जाओ लेकर के, पहले ले ले ले,
वो हम लोग काफी देर से देख रहा था। खा जाओ। लैया हर साल हर दिन बेचा जाता है यहाँ पे। मम्मी जिस बार लैया अपने हाथों से बना नहीं पाए तो, हाँ तो उसी को लैया बोला जाता है, लोहिया लाए गोल गोल, तो वो नहीं बना पाई तो मम्मी बोली कि खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोग काम में बिजी थे। ज्यादा दिन तीन चार दिन बचाओ। कितने तारीख को मकर संक्रांति है सुहानी? 14 तारीख को। तबियत? 14 तारीख को। अच्छा ठीक है, इसको हम गाइस अभी खा करके देखते हैं कैसा है। मम्मी 5 रुपया का थोड़ा सा खाना। अच्छा लो लो, अच्छा ले लो, खा। तो गाइस खाने में निकला हुआ मक्का का रोटी, इधर गरम गरम सब्जी है, यानी ठंडा तो हो गया है लेकिन बोल रहे गरम है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। इधर रहे आपके पापा जी, बाल रंग रहे हैं और बकरी परेशान कर रहे हैं पापा को देखिए, और मम्मी जी भी यहाँ पे खाना खा रही है। खिला दो थोड़ा सा, एक टुकड़ा खिला दो, हालांकि खा चुकी है, रील्स बना रहे थे उस टाइम में। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा, आपकी प्यारी बहन सुहानी इसमें क्या क्या चीज है बताओ जल्दी से। मम्मी दिल वाली थी वहाँ पर, सब कुछ निकल कर बताए, ले चलो उतर कर। दिल हुआ क्या बोल रही है? जो उस पर फ्रिज पर रखा हुआ था वहाँ पर सब, तिलवा है, चिवरा है, भुर्रा है, चिन्नी है, मीठा है, तिलकुट है, हाँ, तिलकुट है, दो कुरकुरा है, अबे चार हम क्या खाए थे मैं भूल गए, इमली खाए थे, रिफाइन है, दो चॉकलेट भी खाए थे। कितना सारा चीज लेकर के आई, अभी देखते हैं इसको खोलकर क्या क्या चीज है मकर संक्रांति के लिए। हम बोले कि पटोरी चलो घूमने, उधर एक रील्स भी बना लेंगे, वहाँ खरीद भी लेंगे, लेकिन नहीं पापा के जोड़े जाएंगे, हम कब से जाने के लिए तैयार थे। अच्छा ठीक है चलो अंदर कर। गांव में क्या होता है ना गाइस, बेसिकली घर में अगर मम्मी कोई चीज खरीद के लाती होंगे आपकी, तो दिखाती हैं कि ये चीज लाए तो बड़ा खुशी होता है। तो अभी आप सबको हम दिखाने वाले कि क्या क्या चीजें और क्या क्या सामग्री लगता है। रुको कैमरा पकड़ो। लो ये है भुर्रा ना मम्मी, ये तीन प्रकार का है कि एक ही पर रखा हुआ है। दीदी करना जाएगा। अच्छा दीदी क्या ना, एक घर के लिए, एक रागनी सिस्टर के लिए, एक खुशबू दीदी के लिए। ये है नमक और इसको बोलते हैं तिलवा। देखो भाई तिलवा ना है तो, तिलवा ना है ये ला मीठा वाला तिलवा है। और देखिए क्या क्या लिया, पूरा बोरी भर के लाई मम्मी जी हमारे लिए, बेटी सबके लिए इतना प्यार करती है, हम सबके लिए नहीं है, बेटी सबके लिए। ये भी तिलवा है, देख रहे हैं यहाँ पे बहन कहीं कोसो दूर रहती है लेकिन यहाँ से हिसाब जाना जरूरी है घर से। ये भी तिलवा है गाइस। एक सुहानी के ससुराल नहीं पहुँचा हुई मेरा ससुराल है आइंदा समझ सकते ना। ये है तिलकुट गाइस, ये देखो ये भी तिलकुट है, एक और होगा, तीन होगा, बोले ना तीन होगा, हिस्सा लगा हुआ है, मतलब बहन ससुराल चल गई मंजूर है लेकिन मम्मी का प्यार खत्म नहीं होगा कभी भी, ये होता है हमारे घर में। बेटी चल गया ससुराल तो बेटी पराया है। ये देखिए ये मीठा है, ये जरूरी है, घर का प्यार होता है गाइस। मेरे लिए पराया नहीं, मेरे लिए बेटा बेटी दोनों एक समान है। चिवरा भी तीन हुआ होगा है ना। छह सिस्टर है हमारी, तो दो बहन अभी ससुराल में है, तीन बहन बाहर में है यानी आउट ऑफ बिहार की है, और एक बहन अभी घर पे है, तो उसका ससुराल ही नहीं है। सुहानी का शादी होता तो हम भेज देते वहाँ पे। ये सब चीनी है, देखिए ये है दाल है गाइस, ये बकरी का गाल है गाइस, और ये मरीच है इसके अंदर, मरीच और ये चिवड़ा, हम बोले ना कि तीन गो होगा, ये दो हो गया ना, दो वहीं पे ये देख सकते हो, ये देखिए एक और चिवड़ा है, इतना सारा सामान, चिवड़ा बोला जाता होगा आपके यहाँ, रिफाइन का तेल है, पूरी वगैरह बनेगा, तो चीनी है, ये भी चीनी है, ये बादाम है, भाजा बनाने दादा भाजा, ये हमारे खाने के लिए कुरकुरा है गाइस। तो देख सकते हो इतना सारा सामान है,
तिल संक्रांत के लिए तिलकुट ना मम्मी बोला जाता है इसको, मकर संक्रांति का पूजा किया जाता है उसी त्योहार के अवसर पे मम्मी इतना सारा सामान लेकर के आई है। हालांकि पहले क्या होता था कि सब बहन रहती तो और ज्यादा सामान आता, लेकिन शुक्र है कि तीन बहन बाहर में रहती है, नहीं तो सबके घर जाते तो हम बिक जाते एक ही दिन में। एक बहन के यहाँ जाने में कम से कम समझिए 1000 का खर्चा है, 2000 3000 6000 तो इसी चल जाएगा। कोई बहन पैसा हमको देगी, कोई बहन नहीं भी देगी, ऐसा सीन है। हमारे यहाँ वो सब नहीं चलता है, हमारे यहाँ बेटा बेटी के कहा जाता है जो रोटी कपड़ा और मकान है बेटा बेटी के मानिए एक समान। एक समान, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल मम्मी जी सही बात बोलती है। हमारे हमारे गांव में क्या है ना गाइस कि पहले मतलब बहुत नॉर्मल परिवार से थे सब लोग, हमारे गाँव में भी सब मतलब नॉर्मली है, कोई अमीर नहीं ज्यादा, अब सब बढ़ रहे हैं तो अलग बात है। तो उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम लड़कियों को पढ़ाना हमारे गांव में एक तरह से बैन था, मतलब कम ही लोग पढ़ाते थे, कहते थे बेटियों के ऊपर कौन खर्चा करेगा। लेकिन हमारी 6 सिस्टर थी तो मम्मी जी उनको पढ़ाई लिखाई, मम्मी को भी साथ देना पड़ेगा कि हाँ मम्मी ने वो काम करके बताया जो शायद और माँ बाप कर पाते एक बेटियों के ऊपर थी। सबको पढ़ाई लिखाई, सबको समान अधिकार, बस एगो हम ही रह गए, फेल हो गए। बेटी सबके पढ़ाई है वो कष्ट में याद करते हैं तो आंखों से आंसू गिरने लगता है। बिल्कुल, लेकिन बेटी सबको कष्ट करके पढ़ाना लिखाना नहीं भूले, एकदम 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 दम कर एकदम अपना बना करके बेटी को हम पढ़ाई लिखाए, एक बेटा को भी पढ़ाए तो बेटा वीडियो के चक्कर में फल के गिए, फिर से उसको हम जब ना तब कहीं पर ठहरा होकर के डांट दमार कर करके कहते लाठी से मारेंगे तो तुम अभी भी पढ़ा, अभी भी पढ़ो, चलिए कोई बात नहीं फिलहाल पढ़ाए तो पास की। बिल्कुल मम्मी तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये तो पारिवारिक बात है, ये सबको रख देते फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज अभी हो चुका है रात का टाइम, आज तो घर का काम हुआ नहीं, अभी हम जा रहे हैं मम्मी जी के साथ में स्कूटी लेकर के, स्कूटी बिल्कुल डाउन हो गया था, इसको जो है ना पैर से स्टार्ट करना पड़ा है, ये यहाँ पे स्टार्टर है इससे स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। आज रिचार्ज खत्म हो गया क्योंकि हमारे घर पे वाईफाई है नहीं, ठंडी का बहुत ज़्यादा मौसम है तो बगैर स्वेटर पहने बाहर निकलेंगे नहीं, तो फिर चार्ज करवा के आते, देख सो तो बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चले मम्मी, मम्मी कैसे आप लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने एक वीडियो डाला था, हालांकि ऐसे वीडियो मैं नहीं डालता हूँ अपने ब्लॉग चैनल पे क्योंकि मेरा एक ब्लॉग कैटेगरी का चैनल है और ऐसा वीडियो डालना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे चीज़ें देख कर ना बुरा लगता है क्योंकि हम सब एक यूट्यूब की कम्युनिटी में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो एक दूसरों का सहायता मदद करनी चाहिए। और कल वाले वीडियो में कुछ गलतफहमी हमसे हो गई तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि मनोज भैया ने आपको पैसे दिए होंगे तो आपने उनके लिए वीडियोस बनाया, उनके प्रति प्यार रखा, ऐसी बात नहीं है, सब इंसान सब अपने जगह पे सही होते हैं। जैसा मुझे लगा हमने सोचा बोला था कि 5 घंटा आपने वेट किया तो क्या हुआ, हमने 3 दिन 4 दिन वेट किया, तो हमने अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो चीज़ हमने बोला। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मीटअप में एक सब्सक्राइबर के साथ बहुत ही बुरा हुआ, वो बेचारा काफ़ी दूर से आया हुआ था, उनके बाउंसर वगैरह ने उनको मारा मीटअप में, या फिर कहीं भी मैं ही मीटअप रखता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा बाउंसर के कि आप उनको मारो या फिर किसी भी सब्सक्राइबर को, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत करके इतने दूर से हमारे फैन नहीं होते, वो हमारे फॉलोअर होते, हमारे चाहने वाले होते, हमसे प्यार करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे लिए पैसे खर्च करके आते हैं, तो क्या इसका मतलब थोड़ी है कि मैं उनको बाउंसर से पिटवा दूँ। वो चीज़ें मैंने वीडियो में देखा कल वाले ब्लॉग में, ये चीज़ मुझे पता नहीं था, इस चीज़ को लेकर गलत फहमी हो गई थी, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं कि इंसान दोनों तरफ से गलत होते हैं, एक ही जगह से नहीं कि एक ही इंसान सही होगा और एक गलत होगा, दोनों तरफ से इंसान गलत होते हैं। हालांकि कहीं भी कोई मीटअप में मैं ही जाता हूं चाहे कोई भी, हाँ भगा दिया जाए बोल दिया जाए डांट दिया जाए वो बात अलग होता है, लेकिन किसी को भी अपने प्रति किसी से झापट मार खिलवाना अच्छी बात नहीं होता, तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और जो सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ है तो मैं राजा व्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल में बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये व्लॉग पहुंच रहा है तो मेरे घर पे आइए, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा, आपके चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको नहीं मुझे मारा गया है इस तरीके से, क्योंकि मैं भी एक सब्सक्राइबर के तरीके से कहीं मिलने जाता हूँ, भले ही 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है उससे हमें कोई मैटर नहीं है, बट अभी भी कहीं भी जाता हूँ तो किसी से पूछ करके रिक्वेस्ट करके ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा अभी भी वही हाल है, अपने आप को यूट्यूबर मान के नहीं चलना है। देखो जब बॉलीवुड वाले जब स्टार बनते हैं तो उनको स्टार का दर्जा दिया नहीं जाता, तो हम लोग कौन होते हैं, अपने आप को 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन हो गए, इतने में ही अपने आप को स्टार मानने लगे तो फिर कैसे इंसानियत ही खत्म हो जाएगा, एक दूसरे से मिलजुल करके बातचीत करके चलना चाहिए। हाँ भाई नहीं मिलना है कोई बात नहीं, उनको नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं, आप मार क्यों रहे, मारने से क्या होगा आपको, तो ये चीज़ें बड़ा बुरा लगा हमें और ये मेरा माइंड में गलत फहमी था, उस चीज़ को हमने सही तरीके से देखा ही नहीं था,
जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे फॉलोवर ने मुझे मैसेजेस किया, जो चीज बताया, जिस चीज पे हमने गौर करा, क्योंकि मैं इवेंट में गया ही नहीं था, तो ये मैटर से हमको कोई दिक्कत नहीं है कि इवेंट को लेकर के या फिर कोई प्रॉब्लम हो कि काफी सारे लोग क्वेश्चन भी उठाएंगे आप इवेंट में गए नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग ऊपर मेहनत करे, भले 300, 200, 400 सब्सक्राइबर उससे कोई मैटर नहीं, वो एक क्रिएटर है और उनके ऊपर हाथ उठाया गया तो ये चीजें अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं। अपने आप में सोच करके देखो, जो भैया के साथ ऐसा हुआ है वो हमारे घर पे आए, मैं जरूर उनका मदद करूंगा, उनके चैनल को ग्रो भी करूंगा, प्रमोट भी कर दूंगा, मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दिल से सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है मेरे साथ हुआ है। बाकी कल की वीडियो के लिए माफी चाहता हूँ, आज के ब्लॉग के लिए इतना। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, ऐसा वीडियो नहीं आने वाला है क्योंकि मैं एक फैमिली ब्लॉगर है। हाँ, ऐसा कहीं प्रॉब्लम होगा किसी सब्सक्राइबर के साथ, किसी के साथ अत्याचार हो रहा होगा तो अच्छा नहीं लगता है ऑन कैमरा। बताइए वो व्यक्ति अपना घर से कितना पैसा वगैरह सब खर्च करके गए होंगे, उनके गार्ड से वो बाउंसर से मार खाए, बताइए। कल होकर वो आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उनके लाइफ पे क्या बीतेगी? लोग तो यही बोलेंगे कि मनोज दे के मीटअप में गए थे, मार खा गए, यही वो लड़का है। बहुत प्रकार की बातें हो तो कैसे वो अपने लाइफ को जी पाएंगे। यूट्यूब कम्युनिटी में तो पहली बेइज्जती उनकी हो गई, तो लोग यूट्यूब में आने पे भी डरेंगे, यूट्यूब पे काम करने पे भी डरेंगे, लोग बोलेंगे कि यूट्यूब पे काम करना नहीं है, एक दूसरे से लोग मिलते नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से हेट करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करो, एक दूसरे के ऊपर वीडियो बनाओ लेकिन बाद में सब मिलजुल करके रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट की, अदर स्टेट से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, बगल में स्टाइडी जाकर फॉलो कर लिए, बगल लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज बना हुआ, जाकर के वहाँ भी फॉलो, अपना किंदो निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।